नमस्कार, आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पिछला वीडियो में जो चर्चा किए थे उसी से मिलता जुलता चर्चा करेंगे और उस विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ावेंगे। तो पिछला वीडियो में जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव पर चर्चा किया गया था, माइंड रूब्रिक कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव पर। उसी से मिलता जुलता एक और रूब्रिक है टॉकिंग करके। तो टॉकिंग से बहुत सारे रूब्रिक सब रूब्रिक हैं, एंजाइटी टॉकिंग, बिजनेस टॉक ऑफ, डिलीरियम बिजनेस टॉक ऑफ, ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो आज हम लोग टॉकिंग को समझेंगे, टॉकिंग और कम्युनिकेटिव दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसी को समझेंगे। तो डिफरेंस समझ लेंगे तभी ना जरूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल कर पाएंगे, इसलिए डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा, बहुत सारे लोग स्किप कर करके देखते हैं तो उससे कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। तो और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा निवेदन है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपा करके वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए और शेयर करिए, थोड़ा और उत्साह होता है वैसा करने से। तो चलिए देखिए, टॉकिंग का क्या मतलब होता है। अच्छा, इसी क्रम में देखिए टॉकेटिव भी है, लेकिन टॉकेटिव में देखिए कोई इसमें मेडिसिन नहीं है। टॉकेटिव को रेफर कर दिया गया है इसको लोकोसिटी, तो वो दोनों एक ही है। लेकिन अब टॉकिंग को समझते हैं, टॉकिंग में यह है, टॉकिंग करके रूब्रिक है, टॉकिंग एग्रेवेट, टॉकिंग डिस्पोज टू, ऐसे बहुत सारे रूब्रिक हैं। तो अब टॉकिंग का जो है से कि देखिए क्या मतलब होता है। टॉक का मतलब क्या है, टॉक में हम लोग बातचीत करना, टॉक के मतलब जानकारी देना, विचार व्यक्त करना, ये सब टॉकिंग का हिंदी मतलब है। इसका डिक्शनरी मीनिंग है टू से थिंग्स या स्पीक इन ऑर्डर टू गिव इंफॉर्मेशन और टू एक्सप्रेस फीलिंग आइडिया इटीसी। अच्छा, दूसरा इसका डेफिनेशन है टू डिस्कस समथिंग यूजुअली समथिंग सीरियस और इम्पोर्टेंट। ये हो गया माने किसी गंभीर विषय या महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना, इसको हम लोग टॉकिंग कहते हैं, डिक्शनरी मीनिंग हुआ यह। टू एक्सप्रेस वंस थॉट फीलिंग और डिजायर्स बाय मींस ऑफ वर्ड, माने अपना फीलिंग विचार इच्छा को शब्दों में व्यक्त करना को टॉकिंग कहेंगे। अच्छा, तो टॉकिंग हम क्या करते हैं, टॉकिंग हम इस उद्देश्य से टॉकिंग में बोलते हैं, इस उद्देश्य को रख करके बोलते हैं कि दूसरा कोई को सूचना मिले, सूचना देने के उद्देश्य से हम लोग बोलते हैं कि दूसरे को अपना इन्फॉर्मेशन अपने बारे में या कुछ चीज के बारे में, कुछ विषय के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रदान करें। तो कभी कभी होता है कि इन्फॉर्मेशन जो देते हैं हम लोग सक्सेसफुल होते हैं, और कभी कभी नहीं भी होता है। जरूरी नहीं है कि जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं दूसरा व्यक्ति समझ ले। अब देखिए यहीं पर कम्युनिकेटिव और इसमें अंतर है। कम्युनिकेटिव में क्या है, कम्युनिकेटिव है एक स्टेप इससे और आगे है, यानी कि माने जब सक्सेसफुल ट्रांसमिशन होता है मैसेज का, इंफॉर्मेशन का, तब जाकर के कम्युनिकेशन होता है और उसको कम्युनिकेशन कहेंगे कि कम्युनिकेट हुआ अच्छा से। मतलब क्या हुआ कि हम जो
बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे ग्रुप हो, वहां तक जो पहुंचाना चाहते हैं, जिस रूप में पहुंचाना चाहते हैं उसी रूप में उसको समझना चाहिए। जो हम कहना चाहते हैं वो वही चीज दूसरा व्यक्ति समझे, तब जाकर के सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हुआ। तो इसके लिए देखिए बहुत सारी चीज इसमें जरूर हो जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं वो समझे। तो इसके लिए जरूरी है कि सुनने वाला भी जो है वो सुनने के लिए तैयार हो, तब ना सुनने वाला भी रेडी है कि हाँ जो कह रहा है उसको हमको सुनना है, समझना है, समझने के लिए तैयार हो। अब इस यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई अपने बात को बोल रहा है वो अंग्रेजी में बोल रहा है और सुनने वाला अंग्रेजी जानबे नहीं करता है तो कैसे समझेगा, तो ये कम्युनिकेटिव नहीं हुआ, ये टॉकिंग हो सकता है, कम्युनिकेटिव नहीं हुआ। हाँ सुनने वाला जब समझेगा तबे ना कम्युनिकेशन सही होगा, सक्सेसफुल होगा, मतलब सक्सेसफुल ट्रांसमिशन जब होगा मैसेज का, इंफॉर्मेशन का, तभी तो जाकर के कम्युनिकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो टॉकिंग हो जा सकता है, कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये हुआ दोनों में मेन अंतर। अब देखिए कम्युनिकेशन में है से मेन दायित्व होता है जो मैसेज सेंडर जो है, जो मैसेज देने वाला है, इंफॉर्मेशन देने वाला है, उसका दायित्व है कि वो जैसे कि इस तरह से बोले, इस भाषा में बोले, इस स्तर पर जाकर के बोले कि सुनने वाला उसको समझे। जब सुनने वाला अच्छी तरह से समझ जाएगा तब जाकर के वो कम्युनिकेशन होगा, नहीं तो टॉकिंग हो जाएगा। तो देखिए ये इसमें समझ लिए, यही अंतर है इसमें दोनों में, कम्युनिकेटिव और कम्युनिकेशन में, ये हो गया। अब देखिए केंट रेपर्टरी भी है, केंट रेपर्टरी में कम्युनिकेटिव नहीं है, कम्युनिकेटिव है केंट में नहीं है, और टॉकिंग है लेकिन कम्युनिकेटिव नहीं है। तो ये हो गया कम्युनिकेटिव हो गया, कम्युनिकेटिव वाला समझ लिए। अब दोनों में देखिए, दोनों में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार संक्षेप में कह देते हैं कि जब तक ले सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन नहीं होगा, यानी कि जब तक बोलने वाला, मैसेज भेजने वाला सही ढंग से सुनने वाले को, जिसके पास मैसेज दे रहा है वो सही ढंग से नहीं समझ रहा है, तो वहां पर कम्युनिकेशन नहीं हुआ, वो कम्युनिकेटिव नहीं हुआ, ये हुआ। अब इसके तरह से उसको सेंडर जो है से लिसनर के स्तर तक जाकर करके उसको समझाने का प्रयास करेगा, तब जाकर करके ये कम्युनिकेटिव रूब्रिक हो दिया जा सकता है। अब इसके तरह से देखते होंगे, कोई पेशेंट आएगा तो बोल सकता है देखिए 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 डॉक्टर साहब देखिए ना यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर वो अपने मने समझाने के लिए तरह तरह से उनको प्रयास करेगा कि उनको हम समझा पाए, सही ढंग से समझाने के लिए प्रयास करेगा, तो वहां पर कम्युनिकेटिव लिया जा सकता है। तो यही दोनों में अंतर है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ। और इसी से मिलता जुलता एक और रूब्रिक है स्पीच, तो हो देखेंगे, ट्राई करेंगे कि उसको एक्सप्लेन कर सके अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो देखना नहीं भूलें। तो नमस्कार, जय हिंद।